हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बच्चों एक क्वेश्चन है। आप लोगों का बोर्ड बिल्कुल नज़दीक है तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसको सॉल्व करिए और उसके बाद देखो कि बच्चे कितने मिसकॉन्सेप्ट लगाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। वो कहता आ लेटर इज नॉन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कलकत्ता। दो जगह से लेटर आया बच्चों, टाटानगर से आया या कलकत्ता से आया। ऑन द एनवेलप जस्ट टू कंसेक्यूटिव लेटर्स TAR विजिबल, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर कम फ्रॉम टाटानगर और सेकेंड पार्ट है कलकत्ता। नाउ स्टॉप यूर वीडियोज एंड इस क्वेश्चन को 5 मिनट लगा के सोल्व कीजिए, फिर आप जब ओपन करेंगे इस वीडियोज को तो फिर इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होता है। बच्चो आ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कलकत्ता ऑन द एनवेलप जस्ट टू कंसेक्यूटिव लेटर्स। अब सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम का है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, किस चीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेटर दो जगह से आया, टाटानगर और कलकत्ता से, दो कंसेक्यूटिव लेटर्स नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द लेटर केम फ्रॉम, साथ में वो कह रहा है कि टी ए उसके ऊपर नज़र आ रहा है और वो लेटर कहाँ से आया हो, कलकत्ता से आया हो। तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों किसका है, बेस थ्योरम का है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोगों ने ये सोचनी है बच्चों कि लेटर जो है कलकत्ता से आया है या टाटानगर से आया है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो गया। टोटल हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तो ये दो इवेंट्स हम ले लेते हैं कि लेटर जो है टाटानगर से आया है या, इज इट क्लियर और नॉट, उसमें टी ए विजिबल कर रहा है तो ये हम ले लेते हैं कलकत्ता और ये क्लियर नॉट। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे कैसे इवेंट्स लेने हैं। तो दो ही जगह से आपकी चिट्ठी आ सकती है, आपका पत्र जो है सिर्फ दो ही जगह से आ सकता है, आइदर कलकत्ता या टाटानगर से, आप बिल्कुल श्योर शॉट है। तो कलकत्ता से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, हाफ, और यदि टाटानगर से लेटर आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब बच्चों टी ए सिर्फ विजिबल हो रहा है, यदि वो कहां से आया है, कलकत्ता से आया है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोचने वाली बात ये है कि कलकत्ता है, क्या है बच्चों, कलकत्ता, कलकत्ता के स्पेलिंग आप लोगों ने देखे हुए हैं, यहां से हमारे सौरभ भाई खेलते थे, दैट इज कॉल्ड कलकत्ता। उसके बहुत सारे नाम प्रोनाउंसिएशन वगैरह बहुत सब कुछ चेंज हुआ, तो बच्चा सोचेगा जी ये टी ए विजिबल है तो टी ए लगा देते हैं 1 2 3 और उसको कंबाइन कर लेते हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है, प्रोबेबिलिटी जो होती है टोटल जो होती है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो बच्चा है मिसकॉन्सेप्ट क्या लगाएगा, वो कहेगा जी ये टी ए है तो 1 upon 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब बात सोचो बच्चो ही इज राइट और रॉन्ग, अब वो बात किस बारे में कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो बाई चांस 7 ठीक हो जाएगा, यहाँ पर कंजेक्टिव लेटर्स के बारे में बात कर रहा है बच्चों, किसके बारे में कर रहा है, बात कर रहा है कंजेक्टिव लेटर्स के बारे में। तो कितने कंजेक्टिव लेटर्स होंगे, सी ए एल और उसके बाद एल सी सी यू और उसके बाद यू टी और टी टी और टी ए, ये बच्चों टोटल 7 कंजेक्यूटिव लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 7 कंजेक्यूटिव लेटर्स हैं और एक लेटर ही जो है वो क्या है बच्चों, विजिबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिबिलिटी टी ए बाई, जो यदि कलकत्ता से ए माना हुआ हमने तो वो क्या होगा बच्चों, 1/7। तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों आप लोगों ने समझना है, तो क्या होगा 1/7। तो मिस कॉन्सेप्ट को नहीं रखना, तो 7 कंसेक्यूटिव लेटर्स, जो कंसेक्यूटिव लेटर्स के बारे में बात कर रहा है तो आपने जो लेटर्स देखने हैं वो भी क्या देखने हैं, कंसेक्यूटिव देखने हैं। तो ये बच्चों टी ए बाई ए कितना हो गया बच्चों, 1/7 और आपका टी ए बाई बी जो है, जो बच्चों लेटर टाटा नगर से आया तो इसमें भी कंसेक्यूटिव लेटर्स देखो क्या होंगे, टी ए हो सकते हैं, ए टी हो सकता है बच्चों, और टाटा नगर कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, उसके बाद टी ए हो सकता है और उसके बाद ए एन हो सकता है और एन ए हो सकता है, ए जी हो सकता है, जी हो सकता है, ए आर हो सकता है। तो कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 2/8, यहाँ पर TA कितनी बार है, 2 बार है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपने बच्चों याद रखना है। यदि वो कंजिक्यूटिव के बारे में बात कर रहा है तो कंजिक्यूटिव को ही लेके चलना है, किसी और को नहीं लेके चलना, ठीक है। अब बच्चों लेटर जो है आपका TA तो उसमें नजर आ रहा है, और वो लेटर जो है टाटा नगर से आया है। किससे आया पहला बच्चों, कलकत्ता बी से आया, तो क्या करना है बच्चों, बी फर्स्ट पार्ट आ गया टाटा नगर। और अब ये आपको बेस थ्योरम मालूम है बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, जो फेवर में है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो ये आया बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक TA, और नीचे आ जाएगा बच्चों आपका, नीचे से मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक TA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक TA। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, वेरी मच क्लियर, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बच्चों आप लोगों की 1/2, और बी अपॉन TA क्या था बच्चों, ये TA अपॉन बी आएगा बच्चों, TA ओब्लिक बी, ठीक है। यहाँ पर भी टिक कर लो, TA ओब्लिक ए, और ये भी क्या आएगा TA ओब्लिक बी। तो 1/2 इंटू 2/8, और नीचे भी आएगा 1/2 इंटू 2/8, और 1/2 इंटू 1/7, तो 2/16, और 2/16 प्लस 1/14। इज इट क्लियर नॉट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, तो 2/16, 2/16 प्लस 1/2, ये आपका 1/14 आया है, 1/14। अब बच्चों आपने इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है, और आपका आंसर आ जाएगा, 16 और 14 का एलसीएम लेना हो तो 16 सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, और उसके बाद 7 वाला जो मल्टीपल है वो यहाँ नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम इस तरह निकाल लेते हैं, तो 112 जो है वो एलसीएम आ रहा है। हाँ जी, 16 को 112 से डिवाइड करो बेटा, क्या आता है, 7 था। हाँ जी, और ये क्या आएगा, 14, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 112 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये 110 लो, नहीं तो 16 और 14 का एलसीएम लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 56 टू का कितना हो गया, 112 आ चुका है, 112 को 16 से करोगे 7 आ जाएगा, 7 टू का 14, और जब 14 से करोगे 8 आ जाएगा, तो 8, और ये ऊपर क्या जाएगा 2/16, तो आंसर आ गया 2/16 इंटू 112 अपॉन 22, और ये कट के 2/11, और ये कितना 7, तो आंसर आया बच्चों 7/11। कैलकुलेट का आंसर कितना आया, 7/11। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है कि लेटर जो है वो कहाँ से आया, कलकत्ता से आया। तो इसको करने के दो सारे तरीके हैं, या तो 7/11 आ चुका है, दो ही जगह से लेटर आ रहा था, 1 माइनस कर दो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो अदरवाइज आप इस तरह बेस थ्योरम लगा कर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब सेकेंड पार्ट भी कर देते हैं बच्चों। तो खास बात थी कि जो आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है वो कंजेक्टिव लेटर्स के लिए देखनी। तो अब बच्चों कलकत्ता से आने के लिए प्रोबेबिलिटी ठीक है, तो आंसर आ गया 1-7/11, और ये आंसर आएगा ए ओब्लिक टी है, और ये आंसर आ गया बच्चा 11-7/11, दिस इज योर आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।